उधर पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई पर वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीडीएम यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोग आज धरना देंगे और इस प्रदर्शन में पीएमएल यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता भी शामिल होंगे और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी बताकर रिहा करने का आदेश दिया था। पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ऐलान किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में पीएमएल यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग समेत 13 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचेंगे। बताया गया कि मरियम नवाज भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगी। उधर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने वहां की जनता से संविधान बचाओ आंदोलन की अपील की और खबर ये भी है कि पाकिस्तान में उनकी पार्टी पीटीआई पर बैन लगाया जा सकता है। इमरान खान ने लोगों से एकजुट होकर प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम एक घंटे के लिए संविधान बचाओ के बोर्ड लेकर घर के बाहर खड़े हो। इमरान खान को भले ही कोर्ट से राहत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर है लेकिन मुसीबतें उनका पीछा छोड़ती नहीं दिख रही, लिहाजा वो खुद को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए नई नई प्लानिंग कर रहे हैं। तो शहबाज सरकार को भी कोसने से पीछे नहीं हटते। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया और पाकिस्तान में मचे हाहाकार के लिए शहबाज सरकार को जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया। पाकिस्तान में अभी जो हालात बने हुए हैं उससे तो यही लगता है कि इमरान खान को फिर से किसी न किसी बहाने गिरफ्तार किया जा सकता है और उनकी हर गतिविधि पर सरकार की पैनी नजर है। इमरान के समर्थक और कार्यकर्ता भी हर हालात से निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ही नहीं पाकिस्तान की सेना भी इमरान खान के निशाने पर है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में तानाशाही के हालात हैं और एक बार फिर से 1971 जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लोगों से हकीकी आजादी और पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आने की अपील कर रही हैं। तो शहबाज सरकार भी इमरान खान के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। उधर पाकिस्तान सरकार पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं को लगातार परेशान करने के आरोप लग रहे हैं और इसकी जानकारी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी गई, जिसमें दावा किया गया कि पीटीआई नेता जमाल अकबर अंसारी के घर में घुसकर पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया। बताया गया कि पुलिस और सिविल ड्रेस में आए लोगों ने एक मामले में जमाल अकबर को हिरासत में लेकर किसी अज्ञात जगह पर ले गए। साथ ही पुलिस पर एक पीटीआई नेता के अपहरण का भी आरोप लगाया। पीटीआई ने पाकिस्तान की पुलिस पर कानून के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वही कनाडा में इमरान खान और पीटीआई के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ वहां रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक प्रदर्शन करेंगे और सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और इसी बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को परेशान करने का आरोप लगा और पेशावर में पीटीआई कार्यकर्ताओं पर सख्ती का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस ने मशीन गन से सीधे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। वहीं इस वीडियो के जरिए ये भी चौंकाने वाला दावा किया गया कि एक ट्रैफिक पुलिस का जवान इमरान समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दागते हुए दिखा। हालांकि वीडियो में इस दौरान सड़क पर पीटीआई कार्यकर्ता नहीं दिखे लेकिन पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया कि पुलिस ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए बल का प्रयोग किया।